हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी स्टूडियो एनग्रेव। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं। बच्चे, यूट्यूब एक समुंदर बन चुका है और बच्चा आज बड़ा कंफ्यूज है कि कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। बच्चे, एक ही यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए अन अकेडमी ने आपके लिए सॉल्यूशन किया है कि बेस्ट टीचर्स आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाए और सारे के सारे टीचर्स बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाएं, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन हो ना कहीं पर जाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम जरूरत है, क्योंकि युवा बड़ा परेशान है, क्योंकि वो बेरोजगार है। इस वजह से बड़ी परेशानी होती है, कई बार मन करता है कि क्या करें, कितना पढ़ें, पढ़ें ना पढ़ें। ऐसा क्या हो कि हर वक्त आपके अंदर एक एनर्जी ही भरी रहे और हर वक्त आप बस पढ़ाई के बारे में सोचो, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे मेहनत कर रहे हो, इस वजह से परेशानी हो। बच्चे, YouTube पर मेरे दो बैच चल रहे हैं, एक आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, इस बैच में मैं आपको डेली आपको मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग ग्रुप फंडे आपको सीखोगे, और दूसरा प्रीवियस ईयर जिसमें रीजनिंग ग्रुप फंडे आप अप्लाई करोगे। बस दो ही चीज़ आपको रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर दिला सकती हैं। एक आप कंसेप्ट सीखो, दूसरा आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जिसमें बड़ी डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें SSC एनग्रेव सर्च करें और लिंक टाइप करें और ज्वाइन पर क्लिक करें। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होने वाली है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको PDF और नोट्स और बहुत सारे वीडियो लिंक्स आपको डायरेक्टली वहीं पर एक चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमसे बात कर सकते हैं, टॉक टू अस। इस चैनल को अभी ज्वाइन करें। बच्चे, अनअकैडमी प्लस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस मीन्स बहुत कुछ प्लस होने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको करवाई जाती हैं, बहुत सारे क्विज, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। बच्चे, कुछ चैप्टर्स आपको कई टीचर से पढ़ने का मन करता है, और बिल्कुल आप कुछ चैप्टर्स बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी प्लस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स, सारे टीचर से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS कुछ पढ़ो, कितना भी पढ़ो। आप लाइव क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो, रियल इंटरेक्शन फील कर सकते हो, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, बाद में भी दोबारा देख सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। और अनअकैडमी प्लस को अभी डाउनलोड करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करें, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का गोल सेलेक्ट करने के बाद अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें। जब आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चे RG कोड यूज करें। RG, जैसे आप RG कोड अप्लाई करेंगे, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा, और ये फीस बच्चे पूरे साल की फीस है, एक साल के लिए सारे टीचर्स के लिए, और वो भी इंडिया के सारे टॉप टीचर्स के लिए इतनी कम फीस, इसलिए ताकि आप सीरियस होकर के पढ़ाई कर लो और फाइनेंस में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। RG कोड को इस तरीके से अप्लाई करें, जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% जैसे अप्लाई हो जाएगा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये एक साल के लिए फीस है, पूरे एक साल आप सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपका टारगेट अगले साल का है, 2020 या 2021 है, तो आप RG कोड का यूज करके 2 साल के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट और 2 साल की मंथली कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो मात्र मोबाइल के खर्चे के बराबर आपको सारे टीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है, मोटिवेटेड कैसे रहें। बच्चे, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चा परेशान 2 टाइम होता है, एक तो जब वो मेहनत कर रहा होता है उस वक्त कि पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके भी परेशान हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इस वजह से परेशान हो, तो पहले आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करें। एक दूसरा पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पढ़ना चाहता है लेकिन किसी वजह से पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो पहले बात करते हैं 2 अलग अलग कैटेगरी में। आप डिसाइड करें और कमेंट करें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो।
फिर उसका सॉल्यूशन और भी बेहतरीन हो पाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, मेहनत कर रहे हो, तो उस कैटेगरी में आप अगर मोटिवेट या डीमोटिवेट होते हो और मोटिवेशन रहना चाहते हो, तो अगर आपकी पढ़ाई बेस्ट स्टडी हो रही है, बेस्ट बोले तो आप बड़ी जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, आप 10 घंटे प्लस सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पा रहे हो और अपने हर चीज छोड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी परेशानी है क्योंकि सेलेक्शन नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए पढ़ाई करने के बाद मॉक टेस्ट में आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चे कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन है। और मलेरिया के बीमारी के लिए टाइफाइड का इलाज नहीं किया जाता, आप अपनी बीमारी समझो। एक तो आपका मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, दूसरा आपके मार्क्स एक जगह कनेक्ट एक जगह रह गए, मार्क्स ही इंक्रीज नहीं हो पा रहे। मॉक टेस्ट इंप्रूवमेंट और मार्क्स इंक्रीज में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मॉक टेस्ट इंप्रूवमेंट और मार्क्स इंक्रीज का मतलब है, मॉक टेस्ट में तो बच्चे हो सकता है टफ मॉक टेस्ट आ जाए, इजी मॉक टेस्ट आ जाए, कई बार ऐसा होता है कि इजी मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा, और कई बार हो सकता है कि टफ मॉक टेस्ट में तो फिर इजी अच्छा स्कोर कर ही कैसे पाओगे। लेकिन मार्क्स इंक्रीज सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, ठीक है, तो इसका बेटर सॉल्यूशन देखो, डीमोटिवेट तभी होगे अगर आपका स्कोर 120, 130, 140 बढ़ता 150, 160 है, तो अपने आप एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका स्कोर 160 पिछले 10 मॉक टेस्ट से आ रहा है, फिर 170 110 मॉक टेस्ट से ऐसा स्कोर आ रहा है कि कई सब्जेक्ट में तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मिल रहे हैं, तो एनर्जेटिक अपने आप हो जाओगे, फिर अपने आप एक खुशी जाहिर होगी और हर वक्त एनर्जी से भरी रहोगे। डीमोटिवेशन होता है तो ये मार्क्स कम होने की वजह से, तो इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है सब्जेक्ट वाइज की। तो वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, सिर्फ उसी को पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दो ही काम करने हैं, वीक सब्जेक्ट जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, प्लस मॉक टेस्ट देना है, पेशेंस रखना है। और साथ में अच्छा मार्क्स इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स इंप्रूवमेंट इस तरीके से होते हैं, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके मार्क्स अगर मान लो आ रहे हैं कि 100 से 120 मार्क्स आ रहे हैं, देखो 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। 100 से नीचे और 100 से ज्यादा वाले बच्चों की बात करते हैं, 100 से ज्यादा बच्चे भी लाखों हैं, कई लाखों हैं अगर मैं बात करूं तो। इस ग्राफ से एक चीज सीखेंगे, इंप्रूवमेंट हो गई, फिर स्कोर बन गया 120 से 140, ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्कोर बन गया 140 से 160, इसका मतलब मैंने क्या बनाया, यहां देखो मैंने कितना कम डिस्टेंस यूज किया है, यहां कितना ज्यादा डिस्टेंस यूज किया, यहां और भी ज्यादा डिस्टेंस यूज किया, यहां अनलिमिटेड डिस्टेंस यूज किया है। इससे एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि बच्चे यहां इंप्रूवमेंट कम टाइम लगेगा, आपको लेस टाइम लगना है इंप्रूवमेंट करने में, तो आप अपना कैटेगरी डिसाइड करें आप हो कहां पर, यहां आपको कम टाइम लगना है कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब आप इस कैटेगरी में जाओगे, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान देखे हैं मैंने, आकर के मिलते हैं बच्चे और बोलते हैं कि सर 130 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे, 140 से ज्यादा बढ़ी नहीं रहे, यू विल टेक मोर टाइम, आपको और ज्यादा समय लगने वाला है, और यहां आपको मैक्सिमम टाइम लगने वाला है। यहां आपका स्कोर कब इंप्रूव होगा, सारे बुक्स पढ़ लोगे तब आपको लगेगा कि अब क्या क्या पढ़ें यार, 160 से प्लस कंटिन्यू रहे, अब अनलिमिटेड क्या 5 साल लगने वाले, नहीं, ये हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, हो सकता है 5 महीने में लग जाए, हो सकता है 7 महीने में लग जाए, हो सकता है 2 महीने में भी हो जाए, ये जो स्कोर है ना इससे ज़्यादा
सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ आप अपनी कैटेगरी में जाओगे कैसे। इस लेस टाइम लगने वाला है, बुक्स बुक्स पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोर टाइम लगने वाला है, मॉक टेस्ट और बुक्स पढ़ लेना कोई बात नहीं। इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट की बात बता देता हूँ, मैक्सिमम टाइम लगने वाला है तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो, बस दिन में दो दे दो कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बस मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सारे इंडिया के मॉक टेस्ट आपने लगा दिए, छोड़े ही नहीं, तब आप एकदम से यहाँ जंप कर जाओगे और स्कोर 160 170 180 100 टफ से टफ पेपर में। फिर यहाँ आपको टफ मॉक टेस्ट लगाने, हाई लेवल मॉक टेस्ट लगाने, बस पढ़ना नहीं है, पढ़ना यहाँ है। यहां आपको हाई लेवल मॉक टेस्ट लगाने बस। अब भी परेशानी है क्योंकि बेरोजगारी है, लेकिन अब अपने आप को समझाने की जरूरत है। जब आप यहां पहुंच जाओ बच्चे, पहले तो धैर्य रखें, बीच बीच में जब आपका मन करे ना, देखो ऐसा जरूर होता है जब आप मेहनत करते हो, मेहनत करते वक्त हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप मेहनत करने से परेशान हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कई कामयाब लोग देखे हैं मैंने और कई कामयाब लोगों की स्टोरी सुनी है जो मेहनत करते करते उनके आंखों में आंसू आ गए कि यार अब और कितनी मेहनत करूं, कि कितना बड़ा एग्जाम लेगा भगवान मेरे से, कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। वहां आपको धैर्य से अपने आप को समझाने की जरूरत है और वहां अपने अंदर एक एनर्जी लाने की जरूरत है कि यस मुझे करना है और मैं करूंगा और मैं करूंगा। बार बार ये बोलने की जरूरत है कि किसी और से बात मत करना, अपना एनालिसिस खुद करना अपना। अगर अपनी परेशानी बार बार किसी को बताओगे, कई लोगों को बताओगे, तो हो सकता है वो परेशानी ना हो लेकिन वो परेशानी पर मोर लग जाएगी कि हाँ वो परेशानी है, थी नहीं, आपने बड़ी बना दी ज़्यादा डिस्कस करके। अब अपने से डिस्कस करो, अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अभी आज बेरोजगार हैं, कल नहीं होंगे। ऐसे कितने इतिहास रचयिता हैं जिनका सिलेक्शन किस पोस्ट पे होता है वो मैटर नहीं करता, आप रिटायर्ड किस पोस्ट से हो तो वो मैटर करता है। आप आज आपको नौकरी नहीं मिली है कोई बड़ी बात नहीं है, कल मिलेगी और फिर मिलने के बाद आप और बड़ा एग्जाम। जब आपको नौकरी मिल जाए ना तो वो आपको जिंदगी की मंजिल नहीं मिल गई, वो आपको ट्रेन की एक टिकट मिली है। आपकी जिंदगी की ट्रेन कहाँ पहुंचेगी आप भी नहीं जानते। उसके बाद नई जर्नी शुरू, नया रास्ता शुरू, नई जिंदगी शुरू, फिर से तैयारी शुरू और फिर से बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू। और इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट करोगे, जब आप यहां पहुंच जाओगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, एनर्जी अपने आप आ जाएगी, आने दो एग्जाम को देख लेंगे, ये फील करोगे। फिर भी परेशान मत रहना, कूल रहना, बिंदास रहना, खुश रहना। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। परेशान रह करके पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई परेशान लोग देखे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन परेशान है, क्यों परेशान है पता नहीं। अरे क्या हुआ यार, आज हो जाएगी कल, आज नहीं है कल होगा, मिलेगा अपना टाइम आएगा। ये तो बात उनके लिए कर रहा हूं जो मेहनत कर रहे हैं। अब टॉपिक उठाते हैं उनका, दो कैटेगरी डिवाइड की थी, आप मेहनत कर रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत कर रहे हो तो परेशान मत हो, कामयाबी मिलेगी। मेहनत नहीं कर रहे तो एक्चुअल में सच्चाई तो ये है कि आप अगर मेहनत ही नहीं करें, नो स्टडी, बस प्लानिंग, ओनली प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग हो रही है, मैं पढ़ाई करूंगा, इस मंडे से पढ़ाई शुरू, इस एक तारीख से पढ़ाई शुरू, इस एक तारीख से तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, एक अक्टूबर आने दो मैं ये कर दूंगा, पता नहीं अक्टूबर कब गया, एक नवंबर आने दो मैं ये कर दूंगा, पता नहीं नवंबर कब गया, और एक जनवरी आने दो नए साल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, और पता नहीं कितने साल ऐसे निकल गए और कितने सालों से हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। क्यों? वजह यही है क्योंकि आपने ओनली प्लानिंग की और नो इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन अगर किया तो 2-3 दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर कोई और आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, कोई दोस्त आ जाता है, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, सोशल मीडिया बीच में आ जाती है, आपके रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस जगह पर पहुँच गए।
कितना सोचा ही नहीं है कि आपको कामयाबी चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले डिसाइड तो करो चाहिए कि नहीं चाहिए कामयाबी। अगर आपने सोच लिया कि कामयाबी चाहिए तो फिर नो इम्प्लीमेंटेशन को हटाओ, ओनली इम्प्लीमेंटेशन, इसको रिवर्स कर दो, ओनली को यहां ले आओ, ये यहां ले आओ। नो प्लानिंग ओनली इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्लानिंग नहीं होगी, ओनली इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे ही प्लानिंग कर लिया वो बेहतरीन है। अरे पहले उसको तो इम्प्लीमेंट कर दो, जो प्लानिंग की पहले उसको तो कर लो। सिर्फ इन दो वर्ड्स को बदलने की जरूरत है कि ओनली प्लानिंग नो इम्प्लीमेंटेशन, इसको बदल दो, नो प्लानिंग ओनली इम्प्लीमेंटेशन बाद में देख लेंगे, पहले स्कोर तो इंप्रूव करो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसी कैटेगरी में आते हो जो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपको ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हैं, एक्चुअल में ज्यादा है, मैंने देखा है। उन स्टूडेंट के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा, सिर्फ अपनी जिंदगी से चार आर खत्म कर दो, यार प्यार रिश्तेदार और त्योहार, सिर्फ एक साल के लिए खत्म कर दो, जिसके लास्ट में आर आता है तो बेरोजगार भी नहीं रहोगे। यार खत्म, प्यार खत्म, रिश्तेदार खत्म और त्यौहार खत्म, तो गारंटेड आपका बेरोजगार वर्ड भी खत्म। फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। अगले एक साल तक ठान लो, आज से ही, अभी से, और अभी बोल रहा हूं, कई स्टूडेंट के माइंड में ये आया कि यस आज से पढ़ाई शुरू, सबको लोग सोशल मीडिया अनइंस्टॉल, ये सब माइंड में आ गया। दो तीन दिन तक रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू रखना, ना कंटिन्यू रखो फिर वीडियो देखो, फिर मोटिवेट करो, फिर खुद को मोटिवेट करो, फिर भी ना हो तो पनिशमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। वो कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, तो फिर आपकी बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ये है, सेल्फ पनिशमेंट देना स्टार्ट करो, खुद को पनिश करो, परेशान मत हो। पनिश करने का मतलब, आज के टाइम ऐसे करना भी पनिशमेंट हो जाती है, खुद को अगर किया जाए तो। पनिशमेंट होने करने का मतलब ये नहीं है परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, सोचने लग जाओ, सोचना ही नहीं है, ज्यादा प्लानिंग करनी ही नहीं है, ज्यादा परेशानी के साथ पनिशमेंट नहीं करनी। आपको पनिशमेंट करनी है छोटी छोटी पनिशमेंट, जैसे खुद को एक थप्पड़ लगा लिया, अब पढ़ाई शुरू। पढ़ाई टाइम वेस्ट करते ही, मान लो आपने सोचा कि आज दिन में पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने भी लगे, और 10 से 12 पढ़ते पढ़ते दिन की बात है, एक बजे दिन में सो गए, और सो गए कोई बड़ी बात नहीं है, सो गए हो चुके हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और आपके माँ बाप ने इतने ज़्यादा सपने देखे थे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और कामयाब बनेगा। आपके माँ बाप ने पता नहीं कितने स्टूडेंट को ये बोला, कितने रिश्तेदारों को ये बोला होगा कि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा, देखना इंस्पेक्टर ही बनेगा। आपसे बड़े सपने आपके माँ बाप के हैं, और ये बात सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। इसलिए खुद को संभालो, एक साल के लिए मोटिवेट रखो, डेली अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, डेली एक एनर्जेटिक लाओ कि बस इस एक साल में तो फोड़ देना है। इस एक साल में डेली अपने आप को समझाने की जरूरत है, खुद से बातें करने की जरूरत है, खुद में खोने की जरूरत है, खुद से दोस्ती करने की जरूरत है, खुद में ही रहने की जरूरत है, बस फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा मेन मकसद क्या था कि दो कैटेगरी बनाई थी, ना पढ़ने वालों की कैटेगरी और पढ़ने वालों की कैटेगरी। मेरा मेन मकसद था ना पढ़ने वालों की कैटेगरी को पढ़ने वालों की कैटेगरी में डाल दूं, और पढ़ने वाले बच्चों को और ज़्यादा समझा दूं। बस इसी के साथ मैंने सोचा था कि आप अपनी कैटेगरी बदलो, चेंज योर कैटेगरी, उसके बाद चेंज करने के बाद अपनी मेहनत पर ध्यान दो। जैसे ही मेहनत पे ध्यान दिया, मेहनत करो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बैलून और पैराशूट में यही फर्क है, बैलून का मोटिवेशन बाहर से होता है, और बाहर से पिन लग गई तो ख़त्म, और पैराशूट हमेशा ऊपर ही जाता है, और जब मन करता है तब नीचे लेके आते हैं, पैराशूट तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन बच्चे बस मेहनत करो, ढंग से मेहनत करो, फिर भी कुछ ना हो तो मेरी बात एक बात मान लेना, मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कभी मैंने प्रिपरेशन की थी आईआईटी की उस वक्त, कि अगर मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो, मेहनत करने के बाद, तीसरी बार बोल रहा हूँ, मेहनत करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो बच्चे परेशान मत हो, ना
जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। और मेरे गुरुजी ने भी 3 बार ये बात बोली थी कि मेहनत करने के बाद तो कामयाबी तो जरूर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई नहीं जानता, आपका काम है मेहनत करना। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान जल्दी से आपको कामयाबी दे, किस फील्ड में दे कोई नहीं जाने, पर जल्दी से कामयाब कर दे, आपके घर में खुशियां लेकर के आए। थैंक यू, लव यू ऑल। साईं जल्दी से आपको एक नौकरी दिला दे। ओम साई राम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और टॉपिक अगर आपको नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में करें। आपकी परेशानी अगर नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में करें। डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म है, वो फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। वो फीडबैक फॉर्म आपको भरना बहुत ज़रूरी है बच्चे। आपका फीडबैक हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक ही और चीज़ें बता पाएगा कि किस तरीके से कैसे कैसे और आपको आगे बढ़ाया जाए, आपकी इम्प्रूवमेंट की जाए, आपके अंदर कैसे कैसे और क्या क्या किया जाए। आप अपना फीडबैक, 1 मिनट लगनी है, फीडबैक फॉर्म जरूर बने, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लव यू ऑल। ओम साई राम।